माई YouTube फैमिली, वेलकम टू मसारा ब्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube फैमिली। सो जनाब यहाँ पे जो है वो सुबह हो चुकी है और अभी जो है मैंने फजर की नमाज़ जो है वो हमने अदा की है। उसके बाद जो है आज मैं ज़रा किचन में आ गई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट बनाने किचन में नहीं आई हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ स्पेशल निहारी। तो निहारी का कुछ गोश्त इस तरीके का था कि मैंने सोचा कि इसको जो है मैं अभी चढ़ा देती हूँ ना, तो तब जाके ये रात तक के खाने के लिए तैयार रहेगी। तो मैं आपको निहारी का जो है वो गोश्त से मुलाकात करवा देती हूँ। लेकिन निहारी का इस टाइप का कुछ मैंने जो है वो गोश्त लिया हुआ है। तो चलें फिर निहारी की चढ़ाते हैं और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ, साथ ही साथ कुछ बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पे जो है देगची गर्म हो चुकी है। अभी इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसमें से जस्ट हाफ कप ऐड कर रही हूँ। वैसे निहारी में तो ज़्यादा ऑयल डाल के पकाया जाता है, लेकिन मैंने जो है गोश्त आपको दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा मतलब फैटी है, तो इसलिए मैं जो हूँ इसमें थोड़ा कम ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अभी जो है ऑयल को होने देते हैं गर्म। चले जी ये गर्म हो ही चुका है। मैं इसमें यहाँ पर एक बड़ी प्याज जिसे मैंने यहाँ स्लाइस में कट कर लिया है ये ऐड कर लेती हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर करूँगी ब्राउन। चले जी ये प्याज को मैं करती हूँ ब्राउन। The taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Onion यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से brown हो चुकी है. Now I am adding meat, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा fatty है. चलिए जी इसको जो है मैं कर देती हूँ इसमें add. देखिए कितना ज़्यादा फैटी है, इसीलिए मैंने जो है ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कम रखी है, क्योंकि इसमें अपना फूल चिकनाइयाँ जो है ना वो इसमें छोड़नी है। तो इसको मैं लाइट से बस इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने इसको लाइट से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं स्पाइसेस, जिसमें जो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गार्लिक जिंजर पेस्ट, जो कि तकरीबन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टी स्पून भर भर के, इतना तो इसमें जाएगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 फुल टी स्पून रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर, बल्कि ये मैं कर देती हूँ इसमें 2 टी स्पून। ये खर्चा ला जाएगा इसमें, साथ ही इसमें 1 टी स्पून जाएगा धनिया पाउडर, ड्राई धनिया पाउडर ये ऐड होगा, और इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। ये चले जी इसमें चला गया 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब जो आती है बारी आती है निहारी मसालों की, तो मैं इसमें 1.5 पैकेट जो है यहाँ पे साशा मैंने लिया हुआ है शान का। मैं जब भी निहारी बनाती हूँ मैं शान वालों की बनाती हूँ, मुझे इनका फ्लेवर इनका कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खाना शान से ही बनाती हूँ जब भी मुझे बाजार के मसाले का अगर कुछ बनाना होता है। तो इसमें मैं 1.5 पैकेट जो है अभी डाल रही हूँ, बाकी का 1/2 पैकेट है वो मैंने रखा है। इससे मैं तड़का लगाऊंगी और स्पेशल निहारी का तड़का मैं किस तरीके से लगाती हूँ इसकी ये आपको मैं अभी दिखाऊंगी जब मेरी निहारी यहाँ पे डन हो जाएगी। और इसको जो है मैं यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ और मैं अभी इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि यहाँ पर अभी बिल्कुल सुबह हो रही है, तो मुझे इसको कुक होने रहने देना है 3 से 4 घंटा, तो उस लिहाज से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चलिए जी इसमें जो है मैंने पानी ऐड कर दिया, मैं इतना पानी ऐड कर रही हूँ कि ये जो है मुझे इसको काफ़ी देर में कुक करना है, तो अभी इसमें मैं और थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये हो गया ऐड और अभी मैं इसमें आने दूँगी, यहाँ पर इसको कवर करके अब मैं रहने दूँगी और मैं इसमें आने दूँगी एक बॉयल, उसके बाद मैं हीट को स्लो करके इसको कुक होने दूँगी। अभी 8 आवर्स हो चुके हैं, तो अभी जो इसके ऊपर जो है तरी जो थी एक अच्छी सी तरी आई है, इसको जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से देखें निकाल ले रही हूँ बचा बचा के सालन ना आए और सिर्फ मेरे पास तरी आ जाए। मैंने इसको तकरीबन 8 आवर्स जो है निहारी को कुक किया है, गोश्त जो है बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट सा यहाँ पर टेंडर हो चुका है। इतनी देर कुक करने से ना चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती है। फिर उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, अब जब है रात हो गई है तो अब खाने का टाइम है, तो मैंने कहा चलें जी मैं इसको अब डन करती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं तरी जो है निकालने लगी, उस वक्त निहारी का कलर देखें कितना बेस्ट और परफेक्ट कलर आया है। थोड़ा बाज़ार का मसाला थोड़े अपने मसाले से करके इस तरीके से मैं परफेक्ट सी यहाँ पे निहारी जो है वो बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी बिल्कुल मसाले जैसी बनती है, मसालेदार बिल्कुल। यहाँ पे देखें तरी जो है मैंने अलहदा कर ली है और अब जो है मैं इसमें जो है डालूँगी आटा घोल कर। तो आटा जो है सिंपल मैंने यहाँ पर आटे को ड्राई रोस्ट नहीं किया है,
इसको ड्राई रोस्ट, पहले जो है आटे को ड्राई रोस्ट कर फिर उसका पेस्ट बनाकर मैं ऐड करती थी, लेकिन यहाँ पे जो है आज मैंने कच्चा ही आटा ऐड किया। मैं ज़रा चेक करना चाह रही थी कि चलिए जी ये न्यू तरीका जो है मैं आजमा के देखती हूँ कैसा है, तो ये बहुत ही परफेक्ट रहा, इससे कलर भी अच्छा रहा, फ्लेवर भी अच्छा रहा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही रहा। तो मैं यहाँ पर आटा डाल के देखें, यहाँ पर थिक सी जो है मेरी निहारी जो है वह अब होने लगी है, और अब जो है मैं इसमें लगा देती हूँ एक परफेक्ट सा तड़का। तो तड़के में मैंने यहाँ पर प्याज और पुदीना एक चाय का चम्मच, मैंने निहारी मसाला और ये तमाम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके मैंने यहाँ पे परफेक्ट सा निहारी में तड़का लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी निहारी जो है वो डन है। मारिया ने आज निहारी बनाई थी और बहुत मज़े की निहारी मारिया बनाती है, मज़ा आ गया खा के। हाय, और खाने के बाद हमने चाय भी पी ली है, मतलब हमारा सारा काम रात का हो चुका है, चाय चाय सब कुछ हो चुका है। अभी नहीं समझ आ रहा, नींद तो नहीं आ रही है पर अभी समझ आ नहीं रहा कि करना क्या है, देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, और मेरे पीछे से लोगों की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो मैं किधर जाऊँ, कोने किसी भी घर के कोने में मैं चली जाऊँ ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर तरफ आवाज़ आ रही होती है। मैं किस तरह इसको कम करूँ, वो कॉपीराइट ना लगे, अल्लाह मालिक है। खैर, बस कॉपीराइट का इशू है, बाकी तो कोई इशू नहीं है, आवाज़ वगैरह से तो मुझे कोई भी नहीं, अच्छा रौनक ही रहती है यह सबसे, बस कॉपीराइट ना लगे। और हमारा ब्लॉग बस यहीं तक का था, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। और मसारा किचन और मसारा ब्लॉग हमारे दो नो चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। दुआ में याद रखिएगा, बाय।